तो दोस्तों अभी हम हिला रहे हैं। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके 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 दो। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो मेरा सभी को प्यार भरा नमस्कार, और आ चुका हूँ मैं एक और नए व्लॉग में। हमारे यूट्यूब के 50 व्लॉग कंप्लीट हो चुके हैं परसों ही, और इधर हमारे साथ पंकज दा और सुरेश जी। हेलो हेलो गाइस। तो अभी हम चलते हैं, और आज काम बहुत ज़्यादा है तो अभी निकलते हैं। काम बहुत ज़्यादा है और नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपको किचन में जाके सीधे। यार तबियत अभी भी डाउन है, और रजनी आ गया, गजनी वाली यार, क्या सस्ती एक्टिंग है, 150 रुपया काटो इसके। तो चलते हैं यार फटाफट से, और मिलते हैं आपको किचन में जाके। सो गाइस, मैंने सारा काम निपटा चुका हूँ, और अभी यहाँ पर राइस भी बॉयल कर लिया हमने, और नूडल भी बॉयल कर लिया है, स्टाफ राइस भी बना दिया, कटिंग वटिंग सारी कर ली है, और ऑलमोस्ट सारा काम निपट चुका है, कटिंग वगैरह भी कर लिया है। और आज हम बना रहे हैं घर के स्टाइल में भटके डुबके, और इसमें लहसुन का तड़का मार दिया गया है। भटके डुबके में सबसे ज़्यादा लहसुन का तड़का महत्व रखता है ना पंकजा, सबसे ज़्यादा महत्व रखता है लहसुन का तड़का। और ये रुको 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 रुको, ये देख सकते हैं आप, भट पीस के डाल दिए गए एकदम, और मज़ा आ गया एकदम। तो यार काफ़ी टाइम हो गया था भटके डुबके खाए हुए, हल्द्वानी में मैंने बहुत कम खाया था, और अभी पुणे में आज पहली बार बन रहा है, इधर मेरे उसमें पहली बार है, आज पुणे में पहली बार बन रहा है मेरे होते हुए मतलब। तो आज भटके डुबके खाने, यार काफ़ी टाइम हो गया था भटका डुबका खाए, और घर की याद आ जाती यार। और ना भाई, अगर तुम भटके डुबके बना रहे हो ना, तो ना स्टील के उसमें बनाना, ना सिल्वर के उसमें बनाना है, तो लोहे की कढ़ाई में बनाओ, तभी स्वाद है उसमें, वरना नहीं है भाई स्वाद, वरना उसमें स्वाद नहीं है। और कम से कम इसको लगभग लगभग आधे घंटे से ऊपर पकाना है, तब इसमें स्वाद आता है, लोहे की कढ़ाई में इतना मस्त स्वाद आता है ना। तो रंग कराओ भटा डुबू खून, आज हम आज भटा डुबू खून हम, और तुम बोला खाऊ ठीक चा अल्लाह थोड़ी देर में। तो हम भटके डुब के बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप। देख सकते हैं लहसुन का तड़का मार चुके हैं, और भट भी डाल चुका, पकाया जाएगा इसको, और थोड़ी देर में मसाले भी डाले जाएंगे इसमें। तो यार मिलते हैं आपको थोड़ी देर में इसको तैयार करने के। सो गाइस, अभी हुआ हूँ मैं थोड़ा सा फ्री, लेकिन फ्री भी नहीं हुआ हूँ पूरी तरीके से, काम करने हैं। भटके डुबके तो मैंने खा लिए भाई, मैं दिखाए नहीं आपको, क्योंकि भाई काम करते करते खाए हैं। तो अभी हम कर रहे हैं मिक्स वेज चॉप, ठीक है, मिक्स वेज चॉप कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी है कल शाम को, और थोड़ा सा चॉप करना है, क्योंकि हरा भरा कबाब है भाई, कम से कम 100 से ऊपर ही पीस लगेंगे, छोटे छोटे भी 100-150 लगभग लगेंगे। तो अभी ग्रेवी भी बनानी है, तो धर्मेंद्र यहाँ पे ग्रेवी के लिए काजू मगज भिगाने को रख रहा है, भिगाने को क्या, सीधा पकाने को रखेगा, और वो मिक्स वेज को मिक्सर में थोड़ा हल्का हल्का ग्राइंड करेगा, और मैं यहाँ पर उसको कीमा करूँगा, फिर उसको मिक्स कर देंगे, और उसका फिर बनाएंगे हम हरा भरा कबाब। और अभी जो हमने कल रात को बैंगबेरी भरे थे, ये बैंगबेरी भरे थे पूरे 2 बैंगबेरी थे, तो ये 2 हुए थे, अभी एक को कर रहे हैं फिलहाल, पहले एक में देखते हैं कितना होता है, तो उसके बाद दूसरे का सोचेंगे कि करना है नहीं करना है। तो अभी करते हैं एक को, आधा मैं करता हूँ, आधा ये करेगा, मैं चॉप करेगा, कीमा करूँगा, वो मिक्सर में हल्का हल्का ग्राइंड करेगा, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो करते हैं काम शुरू, पहले काजू मगज भिगा लें, फिर करते हैं काम शुरू। तो अभी आज शायद से मैं ब्रेक पे भी ना जाऊँ, मैंने जैसे कल कहा था वो कुंदन शेफ को कि मुश्किल से जाऊँगा ब्रेक में, या नहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी नहीं पता। तो अभी देखते हैं क्या है, क्योंकि ग्रेवी बनानी बहुत काम है, तो अभी देखते हैं क्या करते हैं, अभी मिलते हैं आपको थोड़ा देर में। सो गाइस, अभी हमने मिक्स वेज कीमा करके, और अभी हमने निचोड़ भी दिया है, काफ़ी ज़्यादा निचोड़ दिया है, ये देख सकते हैं काफ़ी पानी निकाल दिया हमने इसका, गजनी बन के बॉस का डायलॉग मारता हूँ, अपना काम है पानी निकालने का, और ये निचोड़ के ये रखा है हमने, जरा आगे आओ यहाँ पर दिखाओ, यहाँ पर देख सकते हैं ये निचोड़ के रखे हैं, जिससे कि हम बनाएंगे 150 हरा भरा कबाब, और जब बनाएंगे तब दिखाएंगे आपको। ये लास्ट रह गया है, इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने वीडियो चालू नहीं करी थी, मैं बोलने में लगा था उस टाइम। तो अभी जब भी बनाएंगे हरा भरा कबाब, तब दिखाते हैं आप लोग को, थोड़ा देर में।
गाइस अभी यहाँ पर होने लग गए हैं हरा भरा कबाब तैयार, और यहाँ पर से मैं दिखा दूँगा आपको, ठीक है? थोड़ा जगह नहीं हो रही है मेरे लिए, काफ़ी ज़्यादा फैल रहा हूँ। तो ये है, इसमें मसाले वसाले डाले गए हैं और थोड़ा सा मैदा लगाया जा रहा है क्योंकि टूटे नहीं करके, ठीक है? और इधर से हमारा धर्मेंद्र भैया इधर ब्रेड कम में मिक्स करेगा और ऊपर से काजू का बिंदी लगाएगा। अरे ऐसे रुकना नहीं था ना, हाँ ये ठीक हो गया। तो यहाँ पर फिर इस ये छोटे छोटे ट्रे रखे गए हैं, इसमें रखे जाएंगे भाई 150 पीस ऐसे, जैसे कि हम मिठाई लगा रहे हैं। तो अभी हम भी आज बताते हैं और फिर मिलते हैं आपको, जल्दी से बनाते हैं। और आज मैं ब्रेक पे नहीं जा रहा, आज मैं देखता हूँ, तो ये वीडियो मैं कल डालने वाला हूँ। अभी थोड़ा एडिट करूँगा, 5:30 तो हो चुका है, 6 बजे से आधा घंटा फिर करूँगा एडिट थोड़ा, फिर कल करूँगा, फिर कल अपलोड करूँगा। तो भाई अभी यहाँ पर हो चुके हैं हरा भरा तैयार, और इसमें क्लीन रैप भी मार दिया गया है, देख सकते हैं। एक में 100 पीस है, एक में 100 पीस और दो एक अंदर रख दिया फ्रिज में, मैंने कहा इसको थोड़ा रुको मैं भी बना लूँ, तो 200 बना दिए हैं और बाकी के इधर इसमें बन रहे हैं। अभी देखते हैं कितने बनते हैं, इतने बाकी हैं और उतने बन चुके हैं, तो एक में लगभग 100 पीस हैं। तो अभी थोड़ा बाकी रह गया, उसको बनाते हैं, और अभी और काम बाकी हैं, तो फिर मिलते हैं आपको। आज मैं इधर पूरा रात का भी शूट करने वाला हूँ, तो ये वीडियो कल डालेंगे हम, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी हम हिला रहे हैं, किस कारण टर्की और ग्रेवी हिला रहे हैं ग्रेवी हिला रहे भाई, क्यों हिला रहे हैं ऐसा नहीं सोचते, ग्रेवी हिला रहे हैं ये, हमने बड़ा बड़ा पलटा तो बता दें किसकी ग्रेवी हिला रहा है किसी बाटा ग्रेवी। अभी हम ग्रेवी हिला रहे हैं, हमने बड़ा बड़ा पलटा ले रखा है दूर दूर से, क्योंकि हाथ और पैर बचाने का दोस्तों, अगर ये छाप पड़ गया ना तो छाप बहुत गंदा रहता है। और इसको पकाने के बाद हम मिलते आप लोग को, और अभी मशरूम लगे हुए हैं, इनका खाना भी जाना है, तो आज रात भी पूरा शूट करने वाले हैं हम, तो देखते हैं कितना शूट कर पाते हैं, मिलते हैं आप लोग को थोड़ा देर। अभी यहाँ पर हो चुका है तैयार पनीर पहाड़ी टिक्का, खट्टा मीठा एंड स्पाइसी, मीठा नहीं स्पाइसी, ग्रीन चटनी के साथ सलाद, ये हो गया रिंग सैलेड एकदम चटपटा, ये हो गया इसका रिंग सैलेड एकदम चटपटा, और ये हो चुका है पनीर टिक्का पहाड़ी, पनीर टिक्का पहाड़ी, पहाड़ी रन करा लीजिए बोल जी हो पहाड़ बोलूँ बोलो लल मैंने भेज भी नहीं बनता सिखा तो मैं बना दूंगा अगली बार से। यहाँ पर तैयार हो चुका है पनीर पहाड़ी टिक्का, और अभी बनने के बाद दिखाते हैं, कम से कम 20-25 मिनट लगेंगे अभी 20-25 मिनट और हम इसको खाना 10 मिनट ओनली 10 मिनट गया और बाहर आया बस हम सलाद खाएंगे। सो गाइस यहाँ पर इसका गार्निशिंग करके तैयार कर दिया गया है, और टिक्का निकलने को तैयार है, और यहाँ पर ग्रीन चटनी और रिंग सैलेड, ऊपर से नींबू, फिर कचुंबर, रिंग सैलेड नहीं कचुंबर, और ये आ चुका है भाई सरिया कब निकल गया ये भी नहीं पता चला, कमलवा कमलवा का अंजा तज अनुभव यार तू। तो यहाँ पर इसकी गार्निशिंग करी जा रही है, इसके ऊपर चीज़ डाला जा रहा है अभी, और पनीर पहाड़ी टिक्का हो चुका है तैयार चाट मसाला के साथ ग्रीन चटनी एंड चलो भाई ठंडा हो जाएगा भाई वो और इस पर बटर मारा जाएगा। ये हो चुका है पनीर पहाड़ी टिक्का तैयार, और अब जाएगा टेबल पे, हम कर रहे हैं पनीर मंचूरियन तैयार, तो पनीर मंचूरियन हो गया।
गया है यहाँ पर तैयार, जो कि धर्मेंद्र बना रहा है। और यहाँ पर पनीर खोल चुके हैं, है और एक कोफ्ता बनाना है, तो कोफ्ता बना सकते हैं, मिलते हैं आप लोग। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ नीचे और जैकेट वैकेट पहन लिया भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो अभी सोते हैं यार, कल सुबह फिर 6:30 बजे जाना है, कल ओटी लगाऊंगा, मतलब ओवर टाइम है, तो कल सुबह जल्दी जाना है। तो उसके बाद से काम ज़्यादा था इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया और अभी नीचे पहुँच चुका हूँ। तो आज के व्लॉग में कैसा लगा ये बताइएगा आपको, हम मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बने रहिए चैनल पे, हम मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड पीस आउट। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।